खराब सड़क में ऑटो फंस जाने से ऑटो में ही डिलीवरी करानी पड़ी आशा कार्यकर्ताओं को। अमेरिका से अच्छी सड़क की पोल खोलकर रख दी त्योथर तहसील की ग्राम पंचायत बरुआ की बदहाल सड़क ने। खराब सड़क पर ऑटो फंसी, ऑटो में हुई डिलीवरी। अमेरिका से अच्छी सड़कों की पोल खोल दी त्योथर तहसील की ग्राम पंचायत बरुआ ने। बदहाल सड़क के चलते समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई गर्भवती महिला, ऑटो में ही आशा कार्यकर्ता ने कराई डिलीवरी। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। एक तरफ मध्य प्रदेश में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, अमेरिका से अच्छी सड़क बनाने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत ऐसी है कि आज भी वो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, जिसका खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को उठाना पड़ता है। ऐसा ही एक संसार करने वाला मामला रीवा से सामने आया है, जहां पर सड़क की हालत काफी खराब होने के चलते समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाई और उसकी डिलीवरी ऑटो में ही हो गई। इस मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसे बनाया है उसी इलाके के रहने वाले एक नौजवान ने। यह वीडियो इन दिनों रीवा में सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हुए एक वीडियो ने प्रदेश सरकार के द्वारा विकास के किए जा रहे बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल त्योथर तहसील के ग्राम पंचायत बरुआ से रास्ते में ही ऑटो से जा रही महिला की डिलीवरी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बारिश के चलते सड़क की हालत और खराब हो गई। जब एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई तो परिजन महिला को ऑटो में ही लेकर अस्पताल के लिए निकल पड़े, लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब थी कि ऑटो को भी सड़क से निकलना मुश्किल हो रहा था। इसी के चलते महिला को समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका, उसकी डिलीवरी ऑटो में ही हो गई। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि त्योथर तहसील के ग्राम पंचायत बरुआ में रहने वाली महिला रविवार को डिलीवरी के लिए चाकघाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना था। आशा कार्यकर्ता द्वारा एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन बारिश के चलते रोड खराब होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके बाद महिला के परिजनों ने गांव से ही ऑटो से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिलीवरी के लिए ले जा रहे थे, लेकिन सड़क की हालत इतनी खराब थी कि ऑटो का भी चलना मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते रास्ते में महिला की डिलीवरी हो गई, ऑटो में ही डिलीवरी को कराना पड़ा। इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि डिलीवरी के बाद जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि अगर ऑटो चल सकती है तो एम्बुलेंस क्यों नहीं। इस बारे में हमने आशा कार्यकर्ता सहित महिला के परिजन से बात की। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सड़क की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन सरपंच सचिव की अनदेखी के चलते सड़क नहीं बन पाई। रीवा जिले के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जो आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। कई जगह पर सड़कें एक बड़ी समस्या है। बारिश के चलते रास्ते इतने खराब हो जाते हैं कि वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों को तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रसव जैसी आपात स्थिति आ जाए तो संकट और भी बड़ा हो जाता है। बहरा के कारण यहीं पे डिलीवरी हो गई, तो मैं क्या करूं? ऐसा बहरा के कारण ऑटो नहीं आ पाई, एम्बुलेंस भी नहीं आ पाई, तो क्या करूं? यहाँ पे कोई गाड़ी वाला आने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी एक गांव के लोग हैं, इसलिए हम गांव के ही गाड़ी वाले हैं, तो गांव की अभी परेशानी है, तो वो तो कुछ करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा चाहे कैसे भी आए। अभी धक्का मार मार के ऑटो ले जा रहे हैं, क्या करें अभी? आशा है सर, ये बताइए, रोड के कारण डिलीवरी रास्ते में हो गई, हम कैसे लेकर जाए? आशा को उसने सामना करना पड़ता है कि अब ये रास्ते के कारण हम लोग कैसे लेकर जाए? डिलीवरी यहाँ रास्ते पर हो गई, अब हम लोग कैसे जाए? एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं आती है फोन करने में रास्ते के कारण। आप लोग कुछ करते ही नहीं है कार्रवाई के, कम से कम रास्ते तो बनवा दीजिए।